और मछली को भी मैंने मसाला लगा दिया था हाँ तल लेना अच्छी चाय बनाती है अच्छा ये बताओ जॉब कैसी चल रही आंटी इट्स इट्स गोइंग वेल अच्छी जा रही है लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसी बहाने से कशफ को भी इस्लामाबाद पोस्ट करवा लो इतना दूर दूर रहते हैं उसकी वजह से काफी मसले मसाइल हैं हाँ बेटा बिल्कुल बहुत अच्छा सोचा थी ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा आप नहीं बोर होती है अकेले रहते हैं? अरे नहीं बेटा बोर होने वाली कौन सी बात है सुबह को नौकरी करती हूँ शाम को ट्यूशन पढ़ाती इतने सारे बच्चे आ जाते हैं, फिर रात को मैं इतना थक जाती हूँ बिस्तर पे लेटते ही मुझे नींद आ जाती है बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा आंटी मुझे आपके घर की यह बात बहुत अच्छी लगती है जो भी चीजें आप गैस को सर्व करती है घर की बनी हुई होती है आमतौर तो पर ऐसा नहीं होता आजकल बेटा यही हमारा पुराना रिवाज था और पुराने रिवाज अच्छे होते हैं लेकिन अब कुछ हालात बदल गए हैं जमाना बदल गया है बाजार में तो सब कुछ मिल जाता है लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने हाथों से बनाना पहले वक्त नहीं मिलता था अब मुझे कुछ वक्त मिल जाता है पहले तो बच्चे ही मुझे करने नहीं देते थे बेटा कुछ किचन में जाने ही नहीं देते थे लेकिन अब जब से बच्चों की शादियां हुई हैं पढ़ाई में मसरूफ हो गई हैं तो कुछ टाइम मिल जाता है अब मैं बना लेती हूँ अपने हाथों से बस मैं तो आपसे मिलने आया था अब पता नहीं कब मुलाकात होगी थैंक so यू सो मच अरुण भाई वेलकम बाय द वे वंस योर फ्लाइट 5th की इंशाअल्लाह अच्छा wonderful. ले जी मैं चलता हूं थैंक यू इजाजत अरे क्यों बेटा तुम भी रह ना। हाँ रह जाए ना हम रात को बैठ के गपशप करेंगे आ, मैं रह जाता लेकिन असल में कल रात को मेरी फ्लाइट है इस्लामाबाद के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि कल तैयारी पकड़ लूंगा तो कल रात की फ्लाइट है कल शाम चले जाइएगा वैसे भी आप कभी हमारे घर रहे भी नहीं हाँ बस तय हो गए तुम रह रहे हो अच्छा चलें ठीक है थैंक यू क्या जरूरत थी खामो खामे उसे रुकवाने की तो क्या हो गया क्या हो गया उसे ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है यहाँ तो एसी तक भी नहीं है तो क्या हुआ एक दिन अगर एसी के बगैर रह जाएगा ना तो उसकी सेहत पे अच्छा ही असर पड़ना है मजाक नहीं है सिद्रा मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ कश्यप और अगर उसे नहीं रहना था ना तो हमारे असरार पे भी नहीं रहता वो उसको पता है हमारा घर कैसा है ए सी नहीं है या जो भी है कभी पानी नहीं है तो बिजली चली जाएगी ये मुसीबत वो मुसीबत क्या है भाई उसमें बेजती की क्या बात है जब इंसान ऐसा रिश्ता बनाता है ना उनसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो किस दुनिया में रहती हो मैं इसी दुनिया में रहती हूँ इसलिए कहती हूँ फर्क नहीं पड़ता शादी से पहले देखा था ना उसने हमारा घर अगर उसको नहीं पसंद था तो यहां दोबारा नहीं आता उसको ये चीजें मैटर नहीं करती और प्लीज तुम भी अब इन से निकलो कशा जा जाके कपड़े बदलो मैं खाना लगाती हूं जाओ